नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों 11 अगस्त को रिलीज होने वाली आमिर खान की मच अवेटेड फिल्म लाल सिंह चड्ढा के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स क्या रहे हैं, क्या आमिर खान ने फिल्म का प्रमोशन शुरू कर दिया है, इसी के बारे में आज का वीडियो है। दरअसल दोस्तों आमिर खान फिल्म का प्रमोशन करने में बहुत पीछे रह गए हैं, जबकि अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन का प्रमोशन बहुत तेजी से चल रहा है, उतनी तेजी से लाल सिंह चड्ढा का प्रमोशन नहीं किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों लगता है कि अब आमिर खान नींद से जाग गए हैं और सक्रिय हो गए हैं। अभी उन्होंने फिल्म का एक लिरिकल सॉन्ग जारी किया है, लेकिन वीडियो सॉन्ग क्यों नहीं जारी कर रहे इसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह तो जरूर उठता है। सम्राट पृथ्वीराज के समय भी ये गलती की गई थी कि फिल्म के जो वीडियो सॉन्ग है वो फुल वीडियो सॉन्ग जारी नहीं किए गए थे, उनके एक छोटी सी झलक ही दिखलाई गई थी, जिसका खामियाजा फिल्म को उठाना पड़ा था। क्योंकि दोस्तों सॉन्ग होते हैं, अगर वो दर्शकों को पसंद आते हैं तो वे जरूर फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघर की तरफ जाना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों सॉन्ग्स में इतनी ताकत होती है, म्यूजिक में इतना दम होता है कि ये दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित जरूर करता है। तो दोस्तों ये आमिर खान की पॉलिसी है या स्ट्रेटेजी जो भी है कि वो केवल ऑडियो सॉन्ग ही जारी कर रहे हैं, पता नहीं, इसके बारे में वही जवाब दे सकते हैं। लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि आमिर खान को फिल्म के वीडियो सॉन्ग्स जारी करने चाहिए थे ताकि फिल्म को फायदा होता। लेकिन दोस्तों आपको ये बता दूं कि आज के बारे में लेटेस्ट अपडेट ये भी है कि नागार्जुन और जो नागा चैतन्य है, SS राजामौली जैसे दिग्गज तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के जो सेलिब्रिटीज है, जो महान कलाकार है अपने अपने क्षेत्र के, उनके लिए आमिर खान ने फिल्म लाल सिंह चड्ढा की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी है और उनको ये फिल्म दिखाई गई है। और दोस्तों फिल्म देखने के बाद में इन सेलिब्रिटीज का क्या रिएक्शन रहा इसके बारे में तो अभी कोई अपडेट नहीं आया, किसी ने भी ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया नहीं है कि उनको फिल्म कितनी पसंद आई कितनी नहीं आई। लेकिन आमिर खान ने इन सभी सेलिब्रिटीज को फिल्म जरूर दिखाई है और स्पेशल स्क्रीनिंग इस फिल्म की उन सेलिब्रिटीज के लिए रखी गई है। और इसमें आप देख सकते हैं जो तस्वीरें सामने आई उसमें आप देख सकते हैं कि आमिर खान के साथ आपको SS राजामौली, नागा चैतन्य, इसके अलावा नागार्जुन जैसे सेलिब्रिटीज नजर आ रहे हैं। तो अच्छा है, आमिर खान का ये स्टेप अच्छा है, जिस प्रकार से वो मतलब फिल्म का प्रमोशन अपने अपने स्तर पे कर रहे हैं तो अच्छी बात है। जिस तरह से ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए, ज्यादा से ज्यादा पत्रकारों के लिए, जर्नलिस्ट के लिए जब लाल सिंह चड्ढा की स्क्रीनिंग की जाएगी तो उनके जो रिव्यूज आएंगे और अगर फिल्म उनको अच्छी लगी और पॉजिटिव रिव्यूज आते हैं तो इससे फिल्म को जरूर फायदा हो सकता है। दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हैं आप कमेंट करके बताइएगा। साथ ही दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।